नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस कक्षा में हम देखेंगे प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोहन राकेश ने एक ओर जहां कहानी विधा को आधुनिकता से संपर्कित करने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर हिंदी नाटक को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है मोहन राकेश जी ने। मोहन राकेश जी हिंदी नाटक को एक नई अर्थवत्ता प्रदान करते दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं मोहन राकेश जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। मोहन राकेश जी का जन्म अमृतसर में 8 जनवरी 1925 को हुआ। इन पर अपने वकील पिता करमचंद गुगलानी जी का व्यापक प्रभाव पड़ा था। उनके वकील होते हुए भी साहित्य और संगीत के प्रति अनुराग पूर्ण रुचि थी। मोहन राकेश पर इस अनुराग और रुचि का संस्कार पड़ा। लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से इनकी उच्चतर शिक्षा हुई। इन्होंने शास्त्री की उपाधि परीक्षा भी उत्तीर्ण की तथा संस्कृत से एमए किया। तत्पश्चात हिंदी से भी एमए उत्तीर्ण किया। जब मोहन राकेश जी 6 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। फलतः इनका परिवार आर्थिक विपन्नता से जूझता रहा। सगे संबंधियों ने सहायता की अपेक्षा उपेक्षा दी, जिसके कारण इनको गहरा आघात पहुंचा। स्वभावतः मोहन राकेश का दाम्पत्य जीवन भी अनेक मानसिक यातनाओं, तनावों तथा कुंठाओं से ग्रस्त रहा। इन्होंने 3 विवाह किए। सुख व शांति ना इन्हें इनके घर में मिल सकी और ना ही घर से बाहर। इन्हीं अपेक्षाओं की तलाश में निरक्षर एक नई जिंदगी खोजते रहना संभवतः राकेश की नियति बनकर रह गई। यही स्थिति उनकी आजीविका के संबंध में भी रही। एक के बाद एक कई जीविका के साधन ये बदलते रहे। पहले बंबई के शिक्षा विभाग में व्याख्याता बने, जो नौकरी 1949 में छिन गई इनसे। फिर ये डीएवी कॉलेज जालंधर में नियुक्त हुए। वहाँ टीचर्स यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने के कारण नौकरी से निष्कासित कर दिए गए। सन 1960 में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के व्याख्याता बने। सन 1962 में सारिका पत्रिका के संपादक बने, पर कुछ समय पश्चात इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तथा नौकरी से सदैव के लिए मुक्ति पा ली। तब से ये फ्रीलांस राइटर अर्थात स्वतंत्र लेखन के रूप में इन्होंने अपनी कार्यविधि प्रारंभ की और अपनी स्वतंत्र जिंदगी शुरू की। स्वयं मोहन राकेश के अनुसार, अगर कपड़े बदल कर दफ्तर जाने का मन करता हो तो ही तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, अगर ना करता हो तो छोड़ देनी चाहिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सीधा साधा नुस्खा है। अपनी प्रयोग धर्मिता के कारण मोहन राकेश जिंदगी और साहित्य दोनों में ही निरंतर प्रयोगरत रहे। 3 दिसंबर 1972 को मोहन राकेश जी का निधन हो गया। अब इनके कृतित्व को देखते हैं। मोहन राकेश का कृतित्व उनके जीवन के कई मोड़ों और पड़ावों से प्रभावित दिखाई देता है। जो संघर्ष इन्होंने अपने निजी जीवन में झेले, उसका व्यापक प्रभाव भी इनकी रचनाओं पर, इनके कृतित्व पर सीधे सीधे दिखाई देता है। स्वयं मोहन राकेश मानसिकता में ठहराव को जड़ता का रूप मानते थे। उन्होंने लिखा है कि मानसिकता में बदलाव न आना एक लेखक की जड़ता का प्रमाण होगा। जीवन भर
एक ही मानसिक भूमि पर रहकर रचना करते जाना केवल शब्दों का व्यवसाय है और कुछ नहीं। मोहन राकेश की यह मान्यता थी कि जिस प्रकार अनुभूति का अभिव्यक्त होना एक सहज प्रक्रिया है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति का निरंतर परिष्कृत और विश्वसनीय होते जाना भी अनिवार्य है। मोहन राकेश नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार तथा यात्रा संस्मरणकार आदि अनेक रूपों में चर्चित हुए। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, पैरों तले की जमीन, मोहन राकेश ने न केवल नाटक विधा को प्रतिष्ठित किया बल्कि रंगमंच और रंगमंच कर्मियों को भी सम्मान और महत्व दिलाने का कार्य किया। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल तथा अंतराल आदि प्रमुख हैं। मोहन राकेश के उपन्यासों में मानवीय संबंधों की विसंगतियों के विशद शब्द चित्र हैं। मोहन राकेश ने नई कहानी को एक निश्चित दिशा व दशा दी। धनंजय वर्मा ने इनके विषय में लिखा है कि एक पाठक जिसने प्रेमचंद को पढ़ा और पसंद किया हो, यशपाल को सहज ही स्वीकार कर लेगा और राकेश तक आते आते उन्हें एक विकास का अनुभव तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कुछ छूट या टूट गया हो। अतः हम कह सकते हैं कि मोहन राकेश में प्रेमचंद और यशपाल की परंपरा का विकसित रूप सामने उभर कर आता है। उपन्यासकार की अपेक्षा मोहन राकेश कहानीकार के रूप में अधिक सशक्त लेखक रहे हैं। मोहन राकेश ने पिछले को नकारा और हमेशा उससे कट कर नया रास्ता तलाशा तथा खोजा, इसीलिए वे नई कहानी के अग्रणी कथाकार कहे जाते हैं। इनके द्वारा प्रमुख कहानी संग्रह यदि हम देखें तो इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य कहानी संग्रह यदि हम देखें तो आज के साए, रोए रेशे, एक एक दुनिया और मिले जुले चेहरे हैं, क्वार्टर, पहचान तथा बारिश आदि भी उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश की उल्लेखनीय बहुचर्चित कहानियों की यदि बात करें तो मलबे का मालिक, सौदा, उसकी रोटी, मिस पाल, वारिस, एक और जिंदगी, ठहरा हुआ चाकू, पांचवे माले का फ्लैट तथा परमात्मा का कुत्ता आदि प्रमुख हैं। मोहन राकेश की कहानियों में हमें विविधता दिखाई देती है। उनमें जीवन का सही सही रूप चित्रित करने का प्रयास किया गया है। चूंकि जीवन के विविध रूप हैं, इसीलिए इनकी कहानियों में भी विविधता होना स्वाभाविक है। अब हम देखते हैं मोहन राकेश को एक नाटककार के रूप में। जैसा कि हम कह सकते हैं कि मोहन राकेश को एक युगांतकारी नाटककार कहा जाता है। इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है जिसमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले की जमीन आदि प्रमुख हैं। इनके नाटकों की विशेषता यह है कि पाठक इन्हें पढ़कर आनंदित तो होता है परंतु रंगमंच पर इनका प्रदर्शन देखकर नाटककार की रचना धर्मिता से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। किसी नाटक की यह विशेषता होती है कि वह रंगमंच के योग्य हो और उस पर खरा उतरे। इस दृष्टि से इनका आषाढ़ का एक दिन नाटक श्रेष्ठतम कृति बनकर सामने आता है। राकेश जी के नाटक भारत के अनेक महत्वपूर्ण नगरों में मंचित तो हुए ही साथ ही इनका मंचन अंग्रेजी माध्यम से विदेशों में भी किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है किसी भी भारतीय नाटककार के लिए।
और सभी स्थानों पर इनका रंगमंची प्रदर्शन काफ़ी सराहा गया। मोहन राकेश जी ने अपने नाटकों में मूल कथन, कालबोध, बिंबों और ऐतिहासिकता के माध्यम से प्राचीन काल की प्रशंसा के बजाय वर्तमान समस्याओं को उठाने का तथा उन्हें उजागर करने का प्रयत्न किया है, और इस बात की सभी विद्वानों, स्वयं रंग कर्मियों, निर्देशकों, अभिनेताओं और समीक्षकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इनमें विशेष रूप से नेमी चंद्र जैन, अलका जी, राम गोपाल, कीर्ति जैन, डॉक्टर सुरेश अवस्थी, सत्यदेव दुबे, कलकत्ता की प्रतिभा अग्रवाल, गिरीश रस्तोगी, सुधा शिवपुरी, कन्हैया लाल नंदन, ओम शिवपुरी, त्रिपुरारी शर्मा, इब्राहिम अलका जी, सुशील चौधरी, अम्पाल अल्लाना तथा अन्य अनेक रंगमंच से संबंधित व्यक्ति एवं विद्वान समीक्षक आते हैं। मोहन राकेश के लिखे नाटकों को पढ़कर तथा उनका मंचन देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वे कथात्मक और नाट्य विधा दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। दोनों ही विधाओं पर उनकी गहरी पकड़ है। वे कहीं भी कथात्मकता के चक्कर में नाट्य विधा को पीछे नहीं छोड़ते। उन्होंने दोनों का सम्यक व समान निर्वाह किया है। संभवतः मोहन राकेश को अपने संक्षिप्त जीवन काल में जो ख्याति प्राप्त हुई उसका कारण उनके नाटक ही थे, जिसके कारण वे एक युगांतकारी नाटककार बनकर सामने आए हैं। संभवतः ऐसा सौभाग्य अन्य नाटककारों को प्राप्त नहीं हो सका। इनके नाटकों से कथा साहित्य में एक नवीनता के दर्शन हुए तथा हिंदी रंगमंच के विकास में भारी सहायता मिली, जो कि इनके द्वारा हिंदी साहित्य को एक महत्वपूर्ण प्रदेय बनकर सामने आता है। नाटककार के रूप में मोहन राकेश को ख्याति इसलिए भी प्राप्त हुई कि वे अपने नाटकों के मंचन से संबंधित सभी बातों का विवरण देते थे, और यह बात इनकी डायरी के पन्नों से स्पष्ट होती है। इन बातों से रचना धर्मिता के प्रति उनकी समर्पण भावना का भी पता चलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मोहन राकेश जी एक महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में अपनी ख्याति हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रदर्शित करते दिखाई देते हैं तथा नाट्य विधा को रंगमंच के ऊपर अपनी पकड़ सिद्ध करने का एक गौरव प्रदान करते हैं। इसीलिए नाटक के क्षेत्र में इनका नाम सदा सदा के लिए स्मरण किया जाता रहेगा। धन्यवाद।